खुर्रम, याद है ना, हमजा ने ना मेरी बात का यकीन नहीं किया। सबूत इकट्ठा करने में जरा टाइम लगता है। मैं तो कोशिश कर रही हूँ गवाही पेश कर दूँ। हाला मेरी माँ है, वो बहुत प्यार करता हूँ, बहुत इज्जत करता हूँ। आई नो बहुत जगह पे गलत होती है, लेकिन मैं उन्हें क्वेश्चन नहीं कर सकता यार। माँ है मेरी वो। हमेशा सोचती थी वो कैसी सासें होंगी जो बहुओं को जिंदा जला देती हैं। बड़े जिगरे का काम है भाई, लेकिन अब सोचती हूँ मेरी जैसी मजबूर होती होंगी, है ना? बस बेटा, बस खा लो चल। भी मुझे छोड़कर चली गई, मैं तो अकेला रह गया इस दुनिया में। अरे ऐसे कैसे अकेले रह गए हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ, माजत के जाए। दोबारा कभी ऐसी बात अपनी जुबान पे ना लाना बेटा। आप है ना, सॉरी मैं, मेरा दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा। शफक, शफक बेटा, बेटा खाना लगा दो खुर्रम के लिए। जी अम्मी, लग गया। आ जाओ बेटा, थोड़ा सा खाना खा, फिर आराम कर लेना। आ जाओ, आओ मेरा बेटा। मेरा बेटा, खाना खा लो आराम से, ठीक है? शफक, तुम इसका बिस्तर लगा दो, थोड़ा सा आराम कर ले। पहले माँ की बीमारी, फिर उनके चले जाने के सदमे ने इसको तोड़ दिया है। जाओ मेरा बेटा। जी खाओ बेटा, खाओ खाना। ए फंक्शन क्या, मिल बैठने का बहाना है बस। कोई जरूरत नहीं है अम्मा, आगे आपकी खुशी की खातिर मैंने लाखों रुपए खर्च किए हैं वलीमे पे। बस रसम तो होगी रईस, मैंने कह दिया है ना। क्या है अब्बा ये? सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। मैं जा रहा हूँ अम्मा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। दादी आपने बुलाया था? हाँ, बस ये कहना था कि आज शाम को जरा जल्दी आ जाना, हाला का खीर में हाथ डलवाना है आज। हाथ खीर में? अनहाइजीनिक नहीं हो जाएगा दादी? चम्मच वुड बी अ बेटर आइडिया। ओए अल्लाह, क्या हो गया तुझे, पागल ना हो तो? अरे बेटा मुहावरा है ये, जब नई दुल्हन घर आती है ना, तो पहली दफा जब वो मीठा पकाती है उसको कहते हैं ये। ओह, तो इस पूरी रस्म में एग्जैक्टली मैंने क्या करना है? खीर में दुल्हन के लिए तोहफा लाना है, उसको तोहफा देना है। ये अच्छी बात है, फिर मैं जाऊं मेहनत मजदूरी करूं, कुछ पैसे कमाऊं ताकि तोहफे के लिए पैसे इकट्ठे हो। वैसे चाहिए क्या आपको तोहफे? कुछ नहीं। चले मैं जा रहा हूँ, खुदा हाफिज। हाँ है बेवकूफ ना हो तो, अरे बताया क्यों नहीं उसको? दादी क्या जरूरत है रस्म वगैरह की? जरूरत क्यों नहीं? अरे पगली, मर्द के दिल का रास्ता मेदे से जाता है। तो दादी मैं क्या करूंगी इस रास्ते से गुजर के? क्या करना है? राज करना, राज दिल पर। मैं उसके काबिल नहीं हूँ दादी, उसके काबिल नहीं हूँ मैं। ये क्या काबिल है? क्या हुआ, हमजा ने कुछ कहा है? ना, वो तो नहीं कह सकता। अरे वो कैसे कहेगा, तो काबिल थी तभी तो निकाह करके लाया ना। नहीं दादी, मैं आपको नहीं समझा सकती बस। अच्छा चल, मैं नहीं समझूंगी तो तू जरा खुल के मुझे बता दे। कल हम हमजा के दोस्तों से मिलने गए, वो सब इतने पढ़े लिखे हैं, सब काबिल हैं और सब हमजा जैसे। मैं तो उनमें कहीं फिट ही नहीं आ रही थी, मुझे तो उनके जैसे बातें भी नहीं करनी आती। मैं हमजा के काबिल नहीं,
हमजा बहुत काबिल है दादी, उसके लिए तो उसकी तरह की बीवी होनी चाहिए थी ना, जैसे समीर है ना। अला तू भी बिल्कुल अकल की अंधी, ये समीर का जिक्र कहां से आ गया? तुझे नहीं पता, तेरे जैसा तो कोई कोई होता है। जितनी तू बेगर्ज है, हमदर्द है, मासूम है, तेरी नहीं, ये हमजा की खुशकिस्मती है कि अल्लाह ने उसके लिए तुझे चुना है। चाबी रह गई थी दादी, लेने आ। हाँ, याद से जल्दी आ जा ना घर। जी, खुदा हाफिज। साहब आओ, मैं छोड़ दूँ? तो मुझे छोड़ चुके हो हमजा। मैं ड्रॉप करने की बात कर रहा हूँ, अकेली कहाँ जाती रहोगी? मेरे अकेले होने का तब सोचना चाहिए था जब हाला से निकाह कर रहे थे। मैं तुम्हें यूनिवर्सिटी ड्रॉप करने की बात कर रहा हूँ, लेट हो रहा हूँ, चलो। नहीं, लेट मैं हूँ। समीर, मैं यूनिवर्सिटी रोड पर जा रहा हूँ, रास्ते में पड़ता है तो मैं ड्रॉप कर दूंगा। मैंने तुम्हारे साथ मंजिल तक जाने का ख्वाब देखा था, रास्ते में उतरने का नहीं। आइंदा मुझे रास्ते में उतारने की बात भी मत करना। समीर, 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 समीर। मैंने तुम्हें कभी कोई ख्वाब नहीं दिखाया यार, जो कुछ था तुम्हारी तरफ से था, मैंने तुम्हें कभी इस नजर से देखा ही नहीं है। मर्द हो, मुकर जा। अगर तुमने हमारी दोस्ती को कुछ और समझा तो इसमें मेरी गलती तो नहीं थी यार। वो सिर्फ दोस्ती और रिश्तेदारी नहीं थी हमजा, उससे ज्यादा भी कुछ नहीं था। सुन, कोई एक बात बताओ, जब ऐसा लगा हो कि हमारा रिश्ता हमारी दोस्ती से आगे। अम्मी ने कहा था मुझे, मना किया था मैं यार, मैंने दोस्त मानता था तुम्हें, हम कहाँ चला गया क्या? नहीं नहीं, वो सो रहा है अपने कमरे में। आपको तो पता है कितने दिन हो गए, बेचारा बहुत अफसरदा है। आपा बहुत जल्दी चली गई है, उनके तो अभी बेटे की खुशियां देखने के दिन थे। शफा कहाँ? शफा जरा बाहर शॉप पे गई है, उसे कुछ नोट्स वगैरह चाहिए थे, आती ही होगी। इसको भी चैन नहीं है। हेलो जी, वालेकुम सलाम। नहीं नहीं, वो फोन उठाने की कोई बात नहीं है, आपको तो पता है घर में पुरसे के लिए लोग आ रहे हैं तो बेल की आवाज नहीं आई। नहीं, सोई हुई आवाज नहीं है, रोई हुई आवाज है। ये माँ मेरी कोई मजाक थोड़ी है। क्या क्या हो गया? मेरा कोई सामान फ्री में थोड़ी रखा हुआ है, एडवांस दिया हुआ है भाई मैंने। ओ हेलो, मुझे भी वहां आने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपने घर आ चुका हूं। खबरदार, अगर मेरे सामान को छुआ भी, कोई भी चीज इधर से उधर नहीं होनी चाहिए। अकेला आदमी। अरे
जान आप बैठिए ना, मुझे बुला लेते, आपने क्यों तकलीफ की आने की। देखो तुम फौरन जाकर मालिक मकान के ड्यूज क्लियर कर दो, ये माहवार बिल्स किराया वगैरह अगर जिम्मेदारी से अदा ना किए जाएं तो सर चढ़ जाते हैं। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मेरे सर पर कुछ नहीं चढ़ा हुआ, वो सब कुछ एडवांस में निपट जाएगा। एडवांस में कटवा दोगे तो फिर रहोगे कैसे? मुझे अब वहाँ रहने की क्या ज़रूरत है, मैं तो अपने घर आ गया हूँ आप लोगों के साथ यहाँ पर। तीन दिन सोख के थे, फिर तुम्हारी खाला का ध्यान तुम्हारी तरफ लगा हुआ था, मेरे ख्याल में अब तुम्हें चले जाना चाहिए। फालू जाना, आप अभी तक फाए मुझसे, मैं अपनी वजाहत देना चाहता था, मुझ पर इल्ज़ाम था। मैं इस मौजू पर बात करने नहीं आया हूँ, खाना खाकर जाना, तुम्हारी खाला ने तुम्हारी पसंद का कुछ बनाया है। फालू जी मेरी बात तो सुन, देखो उसी दिन वाली लड़की, अबे बाइक भगा दी, भगा चल ले, भगा भगा ना, चल 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 चल, घुमा के लाता हूँ ना, लग जाएगी गाड़ी यार। शायद करना क्या चाहते हो आखिर? छोड़ूंगा नहीं इसे मैं, तो देख मैं क्या करता हूँ इसके साथ, देखता जा बस। आज बताता हूँ इसे कि मैं कौन हूँ। हाँ भाई जो अधूरी रह गई थी पूरी कर दूं आज। तुम? जी जनाब मैं। लगता है उस दिन की मात भूले नहीं हो। एक कहा तुम, बिल्कुल भी नहीं भूला, तभी तो बदले की कसम खाई है, मगर मैं मारूंगा नहीं तुम्हें। अब इतनी हसीन और खूबसूरत लड़की पे कौन जालिम हाथ उठाएगा, समझ रही हो ना तुम? हाँ अबे आ जा, टाइट कर, टाइट कर। वैसे उस्ताद शक्ल से ऐसी वैसी लगती नहीं है। ऐसी वैसी मतलब कैसी? मतलब कहना क्या चाह रहा है? नहीं नहीं कुछ नहीं उस्ताद। थप्पड़ मारा है उसने मुझे, आग लगी है जिगर में आग। नाती खुद क्यों हो गई, मुझे बुला लिया होता। अरे इतनी सीढ़ियां चढ़ के आई हूं सांस फूल गया। मुझे बताती ना, बैठ। तू ऐसे बैठी हुई है, तैयार नहीं होना क्या? किस लिए? खीर की रस्म रखवाई है, हमारे जमाने में तो लड़की दुल्हन की तरह से तैयार होती थी, सारी बिरादरी आती थी। छोड़ें दादी, रहने दें ऐसे ही ठीक हो। अरे क्यों रहने दें, खामखा से रहने दें। चल दिखा मेरे क्या जोड़ा है तेरे पास, चल। दादी की बात नहीं मानेगी, उठा मुझे। आए, आए, आए। खाला जान अगर आप खालू जान को समझाएंगी तो वो समझेंगे, कोशिश तो कीजिए। बेटा तुम्हें क्या लगता है मैंने कोशिश नहीं की होगी? मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं इस घर में आप लोग का बेटा बनकर रहना चाहता हूँ, आप लोगों के साथ में। हम तुम्हें यहाँ पर ये सोचकर नहीं लाए थे कि तुमसे इसका कोई बदला चाहेंगे। खालू जान माफ कर देना, वो हम कर चुके हैं, जब ही तो तुम इस घर के अंदर खड़े हो। मैं अम्मी की आखिरी ख्वाहिश को पूरा करना चाहता हूं, शफक से शादी करना चाहता हूं। शफक से शादी? शफक का रिश्ता तय हो चुका है बरखुरदार, आइंदा ऐसी बात भी मत करना। क्या? आजा नहीं क्या? आते जाते रहना,
लत में कामयाब करे। अच्छा मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, मस्जिद कमेटी का इजलास है उसके बाद, तो मेरे पास चाबी हैं, डोंट वरी। अल्लाह हाफिज़। जान मेरी बात तो सुने। ये क्या कह रहे थे आप लोगों ने? आप लोगों ने शफ़क़ का रिश्ता तय कर दिया? बेटा मैंने नहीं, तुम्हारे खालू ने। लेकिन खाला जी ना, आप कैसे मान गई? बेटा तुमने मुझे इन लोगों के आगे बोलने के लायक छोड़ा ही कब? और शफ़क़ मान गई? आओ समी, आओ। वाह, बड़ा हक जताना आ गया तुम्हें, मुझे कह रही हो आओ। क्या हुआ समी? ये पूछो कि क्या नहीं हुआ है। तुमने मुझसे हमजा को छीन लिया। हमजा कहते कि उसने आज तक मेरे बारे में ऐसा सोचा तक नहीं, खुद ठंडे कमरे में बैठ के सिंगार कर रही हो और मैं इस घर से बाहर तक नहीं निकल सकती क्योंकि बाहर वो। मैंने क्या कर दिया? तुम्हें तो सब कुछ किया है हाला, मेरा हाल बर्बाद कर दिया है, मेरे मुस्तकबिल पे काबिज होके बैठ गई हो। जो भी हुआ है अल्लाह ने ऐसे ही लिखा था। खुद की चालबाजी को अल्लाह की करने का नाम मत दो हाला। समीम क्या कर रही है? क्या कर रही हूँ? अभी मैं दिखा दी कि मैं क्या कर रही हूँ। ये देखो मैं क्या कर रही हूँ। क्या कर रही हूँ? समीम पीछे हटो, पागल हो गई हो क्या? तुम्हारी इतनी जुर्रत के तुम हमें आंखें दिखा रही हो, हमें? कहाँ रह गई है? अरे सब इंतजार कर रहे हैं बेटा। समीर, बेटा क्या बात है? तुम तो अच्छी भली यूनिवर्सिटी गई थी, तो इतना क्यों भड़की? क्यों ना भड़कूं ताईजान? आपको पता है आज मैं किस तरीके से हशमतुल्लाह से अपने आप को बचा के पहुंची हूँ? बात बात पे वो मुझे हरासा करता है। मैं हमजा को बताऊंगी, मैं पूरे घर वालों को बताऊंगी कि इस मासूम हाला का बोया हुआ मुझे काटना पड़ रहा है। नहीं 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 समीन, किसी को मत बताना, कोई तुम्हारा यकीन नहीं करेगा, उल्टा तुम्हारी बदनामी होगी। क्यों नहीं करेगा कोई यकीन? मैं नहीं अब डरूंगी, जब मैंने कुछ गलत नहीं किया तो मैं क्यों डरूं? नहीं नहीं नहीं, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो समीन। अगर अगर सोफिया को और जलीस को ये बात पता चली तो वो तो हाथ पांव छोड़ देंगे, और क्या पता वो बदनामी के डर से तुम्हारा घर से ही निकलना बंद कर दे। एक बात आप लोग कान खोल कर सुन लें, ये लड़की मेरी बीवी है और किसी ने अब उससे ऐसा सलूक किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चलो वाला माशाल्लाह माशाल्लाह। हाला खीर तो तुमने बहुत अच्छी बनाई है मेरे बच्चे। ये क्या हो रहा है यहाँ? क्या हो रहा है से क्या मतलब? खैर से हाला ने आज खीर पकाई है, अपनी घरेलू जिम्मेदारियां का आगाज कर रही है आज से। आ तू भी खा ले, बल्कि इसके हाथ पर पैसे रख। चल हाला डाल के दे खीर इन दोनों को। अम्मी बहुत मजे की खीर है, आप भी खाए ना। और हाला भाभी आपके हाथ में कितना जायका है, वैसे आज आप लग भी कितनी प्यारी रही हैं, है ना समी? ताईजान भाई अल्लाह क्या कर रही है? हाँ सोफिया संभाल अपनी बच्ची को, पागल तो नहीं हो गई है? समीन क्या कर रही है, ये क्यों गिरा दिया? मेरा ख्याल है कि प्याला बहुत गर्म था ना, तो इसके हाथ से छूट गया है ना। नहीं प्याला बिल्कुल ठीक था, मैंने जानबूझ के खीर गिराई है, बल्कि मैं दोबारा भी गिराऊंगी। समीन
रिस्क की बेहुर्मती होती है। अच्छा तुम्हारे करते थे तुम हम समझते क्या हो? रुक जाओ मैं तुम्हारा रुक जाओ मैं तुम्हारा नहीं इसकी आप सोच क्या रहे हैं? हिम्मत कैसी हुई है तुम्हारी आला को हाथ लगाने की? अरे अरे क्या हो गया यहाँ पर, सारे के सारे पागल हो गए हो क्या? जाओ यहाँ से। एक बात आप लोग कान खोल कर सुन, ये लड़की मेरी बीवी है और किसी ने अब उससे ऐसा सलूक किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चलो आला तौबा तौबा, सारे खीर का जायका खराब कर दिया। और तू क्या खड़ी देख रही है यहां पर शाहजहान? जा यहां से, नहीं देखनी मैंने तेरी शक्ल। समीन समीन बेटा क्या हो गया है? सुबह तो बिल्कुल ठीक गई थी, कभी तुमने ऐसे नहीं किया, क्या हुआ है? ऐसा इससे पहले इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरे साथ ये सब कुछ नहीं हुआ जो अब हो रहा है। मेरे किरदार पर इल्जाम लग गया, जिस शख्स का नाम मेरे होश संभालते ही मेरे कानों में फूंक दिया गया वो शख्स मेरे से छिन गया। इसे कैसे छिन गया? मैं ला के दूंगी हमजा को तुम्हें, मेरा वादा है तुमसे। बेटा हमजा कल भी तुम्हारा था और आइंदा भी। ना वो कल मेरा था ना वो आइंदा मेरा होगा। ऐसे क्यों कह रही हो? मैंने कहा ना मैं बिल्कुल भी नहीं, मुझे आपके किसी भी वादे पर यकीन नहीं है ताईजान, झूठ बोलती है आप। आपको पता कि हमजा ने मेरे लिए इनकार कर दिया था और उन्होंने ये बात हमसे छुपाई थी क्या? जी ये हमजा ने मुझे खुद बताया था। नहीं 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 क्या नहीं क्या नहीं नहीं सुनना चाहती, लानत भेजती हूं मैं हमजा पर। लेकिन अब इस मुसीबत का क्या करूं जो गले पड़ गई है? कौन सी मुसीबत बेटा? बोलो ना आप कौन सी मुसीबत? कोई मुसीबत नहीं। मुझे तो समीन की बहुत फिक्र हो रही है, ऐसा तो नहीं करती है। हमजा ने समीन के लिए इनकार किया था? पापा और कितनी चीजें छुपाएंगी, एक ही दफा बता दे ताकि सदमा ना हो। कोई गलत फहमी हुई है, मैंने कहा ना सोफिया मैं सब ठीक कर दूंगी। आपके सब इरादे कल पर क्यों रुके हैं? कर देंगी, बोलेंगी, सुनेंगी, जबकि आपकी बहू आज में जी रही है। अगर कुछ करना है तो कर गुजरे वरना आप पछताएंगी। सोफिया मैं गलत नहीं कह रही, वो लड़की हर गुजरते दिन एक कदम आगे बढ़ रही है, आपको जवाब देने लगी है, बेखौफी से आंखों में झांकती है और समीन के साथ बात करते घुराती है। उसने आपको दीवार पर लगा देना है, बल्कि दीवार से पार। मैं समीन को क्या हो गया सोफिया? अम्मा नीचे इतना शोर मचा रही? कुछ नहीं। अरे नहीं समीन को क्या हो गया ना, गुस्सा क्यों आ रहा था उसे, ठीक कर देती हूँ। छोड़ो इसे, इधर आ। मेरी गैर मौजूदगी में ये सब कुछ होता है तुम्हारे साथ? नहीं बस आज ही हाल अपना दिफा करते हैं दुश्मनों से, ये तो अपने है ना। लेकिन मैं अपना नहीं हूं। हुँ? क्या कह रही थी सुबह दादी से? मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूं। नहीं नहीं मैं ये नहीं कह रही थी, मैं तुम्हारा नहीं कह रही थी, मैं खुद का कह रही थी। मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूं। और ये काबिल एग्जैक्टली होता क्या है?
बराबर होना। ठीक कह रही, हम बराबर नहीं क्योंकि तुम बहुत खूबसूरत हो आलम। तुम बहुत खूबसूरत हो, आंख में लग जाएगी किस दिन। हम बराबर नहीं है, मैं तुम सबसे अलग हूँ। मैं उस दिन तुम सबसे बिल्कुल अलग लग गई थी। मुझे उन चीजों के बारे में नहीं पता जिनके बारे में तुम लोग बातें कर रहे थे। मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मुझे नहीं पता कि तो ओलंपिक कहाँ हो रहा है और पॉलिटिक्स का नहीं पता मुझे। नहीं पता कि क्या इन है आउट, मुझे तो अंग्रेजी भी नहीं आती है। और ये अंग्रेजी कब से डिसाइड करेगी कि कौन किसके काबिल है? मोहब्बत किसी जुबान की मोहताज नहीं आला, वरना गूंगे इजहार को तरसते नहीं। देखो मैं जानता हूं ये रिश्ता जिन हालात में हुआ है तुम्हारे जहन में उभरने वाले सब ख्यालात जायज़ हैं, आई एग्री, मगर खुदा की कसम ये रिश्ता मैंने पूरे दिल से अपनाया है। हालात हाँ शायद इसमें भी मोहब्बत नहीं है क्योंकि हम एक दूसरे को जानते नहीं हैं। थोड़ी कोशिश तुम करो, थोड़ी मैं करता हूँ, मोहब्बत भी हो जाएगी। हाँ और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मेरे बारे में मुझसे सवालात करो, मुझे जानने के लिए मुझसे पूछो। दादी से तो ज्यादा ही अच्छा बता दूंगा ना। एक काम करते हैं, आओ खाना खाने चले कई बार आओ। नहीं मगर ये कमरा आकर कर लो। ये क्या कर रहे हो तुम? हटो, मुझे तुमसे बात करनी है। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, हटो, मेरा हाथ छोड़ो। शफक प्लीज प्लीज। क्या बात करनी है तुमने शफक? वो लूजा खालूजा कह रहे थे कि तुम्हारा रिश्ता होने जा रहा है। हाँ हो रहा है मेरा रिश्ता तय। फिर तुम तो मुझसे मोहब्बत करती हो ना। मोहब्बत? मोहब्बत मैं करती थी तुमसे, लेकिन तब मुझे ये नहीं पता था कि तुम हाला से मोहब्बत करने लगे हो। हाला से मैं मोहब्बत नहीं करता मैं उससे मोहब्बत। अरे वो खुद मेरे पीछे पड़ी हुई थी। तुम्हारे पीछे पड़ी थी, तुमने उसे अपने पीछे लगाया था, समझे? झूठ बोलती है वो, झूठ बोलती है। हाला कभी झूठ नहीं बोलती। पर बासी कड़ी को उबाल मत दो, अब मुझे तुमसे इस मौजू पे कोई बात नहीं करनी। हटो जगह दो। प्लीज प्लीज शफक, मोहब्बत को बासी कह रही हूँ। मोहब्बत मैं गलती पर बहुत शर्मिंदा हूँ, शर्मिंदा। गलती? कौन सी गलती? किस बात की माफी मांग रहे हो? अभी तो तुमने कहा सब कुछ हाला ने किया था। मेरी दोस्त तो इतनी मासूम थी कि तुम उसकी तरफ अट्रैक्ट हो सकते थे, लेकिन तुम्हें पता है इस वक्त तुम्हारा मसला हाला या शफक नहीं है, तुम्हारा मसला इस वक्त तुम्हारी खाली जेब है। मैं देर से लेकिन तुम्हें समझ गई, अब बहुत देर हो चुकी है। मुझसे मोहब्बत का इकरार करके तुम अपने मसले हल करना चाहते हो ना? मैं इकरार नहीं करूंगी, मैं अब्बा की मर्जी पे राजी हूं। हटो मेरे सामने। तुम मेरे साथ ज्यादती कर रही हो। वो तुमने खुद के साथ खुद की। हटो।
अरे भाई मुझे क्यों मरवाना है इस वक्त रात को? अच्छी बात भी है, आपसे बात कर रहा हूँ। Excuse me, hello. आपसे देख के भाई। हाँ ठीक है ठीक। देख के भाई। खुदा हाला का बेड़ा गर्क करे। बदुआएं तो मत दो। बदुआएं ना दूं। आज उस हाला की वजह से हमजा ने मेरी बेटी पर हाथ उठाया, मेरी लाइफ फाइक बेटी। अल्लाह उसे बर्बाद करे सुख कुतर से। हाला को बर्बाद होने की बदुआ देने के बजाय अपनी बेटी के आबाद होने की दुआएं क्यों नहीं करती? करती हूँ और क्यों नहीं करूंगी। मेरी दुआएं मेरी बेटी के लिए तो हैं। दुआ के साथ दवा भी करनी होगी जी। समीन को आगे बढ़ना है, हमें उसे बताना है कि हमजा कोई नहीं, भूल जाए उसे। ये आप क्या कह रहे हैं? सोफिया, हम अपनी बेटी को सारी जिंदगी हमजा का नाम ले लेकर रोने के लिए नहीं छोड़ सकते ना। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? कहाँ है वो, बुलाओ उसे। वो यूनिवर्सिटी चली गई है। यूनिवर्सिटी? अभी तो सुबह ही उसने कहीं भी जाने से मना किया था। मैंने उसको इतना रोका लेकिन वो गुस्से भी निकल गई। तोहफा है, मैं फजूल में डरे जा रही हूँ। अगली बार उससे मुझे कुछ कहा तो सीधा पुलिस में दे दूंगी। कोई नहीं है यहाँ और ना कोई आएगा। बहुत घूम फिर के तुम्हें यहाँ घिराया मैंने। बचाओ! बकवास बंद करो वरना यहीं काट के रख दूंगा, समझी? क्या क्या चाहते हो? हाय, चाह तो बहुत कुछ था मगर अब कुछ और चाहता हूँ। खामोश, उस्ताद खड़े खड़े टाइम जाया नहीं करो। डालो उसको गाड़ी में, आ जाएगा कोई। क्या हो जाता तुम्हें? अभी इतना अच्छा टाइम गुजार के आए, तुम इतनी डाउन क्यों हो जाती हो ऐसे? नहीं कुछ नहीं। कुछ नहीं? सर में दर्द है, थक गई हूं ना। हाँ। थकोगी ना, सारा दिन जब किचन में खड़े होके खीर बनाओगी तो थकोगी। आराम नहीं करती हो तुम, आराम करो, लेटो।
me to sleep, you know. कितनी नफरत थी खुर्रम की आंखों में मेरे लिए। वैसे सारे दुख दर्द दूर हो गए, लेकिन ये चेहरे पर मुस्कुराहट ना, ये तुम्हारे चेहरे से जुदा नहीं है। हाला तुम्हें मैं ही मिला था धोखा देने के लिए। वैसे क्या हैप्पी लाइफ है, ऑस्ट्रेलिया पलट कजिन से निकाह हो गया, सारे दुख दर्द दूर हो गए, तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी उजड़ गई, घर से बेघर हो गया, मेरी मां सदमे में आकर बिस्तर से लग गई, और इस सब की जिम्मेदार तुम। प्लीज प्लीज मुझे खुर्रम की बदनीयती और बदनजरी से दूर रखिएगा, सिर्फ मुझे नहीं, मुझे और हमजा दोनों को। मुझे खुर्रम की आंखों से खौफ आता है। प्लीज प्लीज अल्लाह मियां जी, मेरे प्यारे अल्लाह मियां जी, प्लीज प्लीज। कैसे बताऊं मैं तुम्हें, कैसे बताऊं कि तुम बिल्कुल ठीक कहती थी, तुम ठीक कहती थी कि हमजा से शादी करके मेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे। कैसे बताऊं मैं तुम्हें, तुम ठीक थी और मैं बहुत खुश हूं और हमजा बहुत अच्छा है। दिल ये मेरा तेरे दिल से जा मिला है, रब से जिसको मांगा तू वो सिला है। तकदीर जब से तुझसे जुड़ी है, जामे मोहब्बत जहर।